पहले कांग्रेस और फिर बीजेडी के नेताओं की लूट। ओडिशा में बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी बड़े बड़े बंगले के मालिक हो गए हैं। आखिर क्यों मुख्यमंत्री के इस क्षेत्र से सबसे ज्यादा श्रमिक दादन करते हैं, पलायन करते हैं? आखिर क्यों यहां ज्यादातर अस्पतालों में डॉक्टर के पद खाली है? आखिर क्यों यहां बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं? हिंजीली में पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज तक नहीं है, पानी की बेहतर सुविधा नहीं है। साथियों, मोदी ने ओडिशा के विकास के लिए कभी भी बजट की कमी नहीं रखी। मैं एक आंकड़ा बताता हूं, ये आंकड़ा याद रखोगे आप? जरा सबके सब बताओ, मैं एक आंकड़ा दे दूं, याद रखोगे? पक्का आंकड़ा है, याद रखोगे? घर घर जाके बताओगे? अगर याद नहीं रहता तो बैठे बैठे लिख लेना, मोबाइल में टाइप कर देना, ठीक है? देखिए, आप जानते हैं, जब केंद्र में 10 साल सोनिया जी की रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी, मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री पद पर बिठाया हुआ था, तो उन्होंने सिर्फ उड़ीसा को 1,00,000 करोड़ रुपया उड़ीसा को दिए थे। 10 साल में कितना? 10 साल में कितना? जरा याद करके बोलिए, 10 साल में कितना? और जोर से बोलिए, 10 साल में कितना? और मोदी ने 10 साल में कितने दिए बताऊं? बताऊं? याद रखोगे? 10 साल में मोदी ने 3,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ओडिशा को दिए। लेकिन साथियों, आप भी जानते हैं, सिर्फ पैसे भेजने से काम नहीं चलता है, यहां पर अच्छी सरकार भी तो चाहिए। ये दिल्ली से आपके लिए पैसा भेजता है, आपके लिए योजनाएं बनाता है, लेकिन बीजेडी सरकार या तो उनको लागू नहीं करती या फिर उन पर अपना स्टिकर लगा देती है, अपना लेबल लगा देती है, लूटपाट करती है। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।